मम्मा आ गई हैं घर जॉब से और हमने मम्मा से मौके मंगवाया था। हाय मम्मा। हाय। हाय मॉम। स्टॉप, आई हैव So yeah, welcome home, Mama. Mama, हमने तो सिर्फ मौका मंगवाया था, तो ये क्या है? ये जो बैग में? ये चाट है। उषा की चाट है क्या? इस वीकेंड रमजान है, तो हम सारी प्रिपरेशन इस वीकेंड करेंगे। Yeah. फैमिली में सब मौका लेते हैं, तो मैंने कॉफी अभी पीना शुरू किया, तो मैं कैमल मोका फ्रैपे लेती हूँ क्योंकि मुझे कैरमल बहुत अच्छी लगती है और उसके ऊपर जो व्हिप क्रीम है वो भी बहुत अच्छी लगती है। वो सिर्फ मैं और मानो को ही अच्छी लगती है। आप रोज़े रखोगे? यस, एज मच एज आई कैन। वेरी गुड। ये जो स्नैक लेके आए थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्लेट्स में निकाल लें ताकि सब इजीली खा सके। कौन सी टाइप की चाट है ये? उषा की चाट है और ये है समोसा चाट। उषा की चाट जो है वो बहुत मज़ेदार होती है, यहाँ पे न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर है उषा। उषा फूड चाट के लिए सैरी और अफसारी में सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और कोशिश यही की जाती है कि सबकी चॉइस को जो है मद्देनजर रखा जाए। सुबह जैसे कि पहली सहरी है, सभी उसके लिए एक्साइटेड है, राइट? यप। तो उषा रोज़ा रख रही है? यस। कोशिश होती है एवरी ईयर ऑब्वियसली के सारे रखे जाए। तो ये वाला कौन सी है? ये पापड़ी चाट है। बहुत मजे की होती है उनकी चाट, फ्रेश। सो मैंने प्लान किया कि रोजों में मैंने सारे रोज़े रखने की कोशिश करनी है, बट एक प्रॉब्लम है कि मॉर्निंग में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है उठने में और नानो को बहुत डिफ़िकल्टी होती है मुझे उठाने में। जब हम लोग छोटे थे जो रोज़े हैं ना वो छोटे भी थे, यानी कि वो आते थे पाकिस्तान में मिटर में, तो हम लोग स्कूल से वापस आते थे हाथ 5 बजे तक मगरी हो जाती थी रोज़ा खोल। अब तो रोज़े लंबे भी बहुत ज़्यादा हैं गर्मी की वजह से। क्योंकि ऐशा घर आती है फर्स्ट थिंग ऐशा होता है खाना। I'm a food. वो चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे दिन हो जाए, ऐसा कुछ है मुझे खाना पड़ेगा। So sorry, मैं मुझे पसंद है, मुझे कुछ heavy नहीं अच्छा लगता, जैसे लस्सी होती है। I like egg and bread, that's good. Sorry, मैं कभी कभी like आप कुछ भी नींद आ रही थी दिल करते कि आप उठ के ना बस like just pray, that's it, just skip the eating part. और थोड़ा सा nauseous feel होता है जब खाओ सुबह सुबह। Yeah, exactly. और वो जाहिर है obviously हम आदत से निकले हैं आखिरी मिनट पे लास्ट मिनट पे उठना होता है तो खाया भी नहीं जाता पूरी तरह, तो फिर वो सारा कुछ वॉक डाउन करने से बेहतर होता है यही होता है कि बस लेकिन ये है कि सहरी सब हेल्दी करते हैं, हम लोग ज़्यादातर पराठे बनाते हैं, सालन के साथ खाते हैं, लस्सी पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। पराठे भी इज मॉम्स ट्रेडमार्क, वो जरूर बना के देती, चाहे जितना भी टाइम कम रह गया हो या जो भी हो वो जरूर बना के देती है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो मेरी मदद के लिए कि मैं बना के देती, तो हम आपसे जो है वो सारी की कुछ रूटीन भी शेयर करेंगे शुरू शुरू की, तो जब तक एक्साइटमेंट बाकी है जलेबी कम्स टुवर्ड्स और उसके बाद मतलब सारे दिन में ना भूख बंदा फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन प्यास जो है ना वो मुश्किल होती है। अब यहाँ पे जो है वो दूसरे रिलीजन्स भी हैं जो कि रोजे रखते हैं, उनके रोजे जो है वो इतने टफ नहीं है, हमारे रोजे ज्यादा टफ है। तो हमारे रोजों में ये है कि प्यास भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो लंबे भी। आप लोगों के कितने बजे उठते हैं?
कब हम लोग छोटे थे ना, तो रोजे जो है वो सर्दियों में आते थे. वो मेरा ख्याल है 2-3 घंटे का फर्क पड़ जाता है. गर्मियों में दिन लंबे होते हैं. For iftar or sehri ke liye kam hota hai. So you gotta wake up earlier every day and open the roza later every day. To ab hum ye sara kuch khate hain. Because kal hume is time pe ye sab kuch nahi milne laga. Ye Ramzan ke shuru hone ki khushi mein hum log celebration karne lage. Cheers. Goodbye.